बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए गुरु प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। सर, राकेश शेट्टी है, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है दोनों का। इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हम देख रहे हैं एक तरफ किस तरीके से बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 370 नहीं 400 प्लस का नारा लेकर के चल रही है, वही कांग्रेस की तरफ से अभी चेहरा कौन होगा अनाउंस भी नहीं किया गया है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। कई पार्टी INDIA का हाथ दामन छोड़ करके जा भी चुकी है। गुरु प्रकाश जी, पहला रिएक्शन आपका, कितने तैयार चुनाव के लिए? अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। प्रिया जी, आपको और सभी उपस्थित पैनलिस्टों को हमारा बहुत ही सादर प्रणाम और नमस्कार। निश्चित रूप से हम भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया की जो दो तिहाई जनसंख्या है, अमेरिका हो, यूके हो, तमाम ऐसे देश है जहां चुनाव हो रहे हैं, पूरे दुनिया की नज़र भारत के इस लोकतंत्र के महोत्सव के ऊपर रहने वाली है। 140 करोड़ का देश है और हमारे यहां चुनाव कम उत्सव ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार का चुनाव विशेष कई मायनों में है। पहला तो ये कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के चर्चा नहीं है। चुनावी विमर्श में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि 400 मिलेगी रूलिंग पार्टी को या 400 से अधिक मिलेगी। सरकार बनना, प्रधानमंत्री का तीसरी बार आना, ये तय है और देश के लोगों ने देखा है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, विश्व मित्र भारत, आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहां हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश मजबूत हुआ है, देश समावेशी हुआ है, देश विकसित होने के प्रति अग्रसर है और निश्चित रूप से पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे इस यात्रा में स्टेक होल्डर बनना चाहती है। इस यात्रा को बहुत रुचि से, बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है। बीजेपी का बड़ा आश्वस्त नजर आ रहा है। वापस मैं आपका रुख करूंगी, राकेश शेट्टी भी हैं कमेंट में, उनका भी चाहूंगी। राकेश जी, INDIA जो गठबंधन है वो कितना मजबूत है सर? सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तो तय करना ही होगा क्योंकि अब वक्त बड़ा कम बचा हुआ है। चेहरा कौन होगा इसको लेकर के भी बात करनी होगी, जनता के सामने संकेत देना होगा। देखिए नमस्कार, और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए। जैसे कि आज पूरे देश के लोग चुनाव में जा रहे और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक ने राजीनामा दे दिया, दूसरे ने रिजाइन कर दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की बारी है तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट का उनके सहयोगी। तो जो बेसिक प्रिंसिपल, जो व्यक्ति चुनाव कराएगा उसका अपॉइंटमेंट ही अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो चुनाव के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा उन्होंने खत्म कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा देश की जनता को कि ये चंदा इन्होंने किससे इकट्ठा किया। और हमने जो आज वेबसाइट में जिस देखा, चीज का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत पीछे तो आप भी नहीं है सर, आपकी पार्टी भी तीसरे पायदान पर है। देखिए डिफरेंस, देखिए 90% जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 30 जो टॉप जिन्होंने चंदा दिया है उसमें से 15 लोग वो लोग हैं जिनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड हुआ, नोटिस हुआ, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हुआ है। मतलब एक खुलेआम मालूम पड़ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ने घूस खाकर चंदा इकट्ठा किया। मैंने दोनों से लगभग एक ही सवाल पूछा कि कितने तैयार आप लोग हैं, लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से जो प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो गिनवाया गया कि क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया और इतनी सीट लाने के पीछे ये दावेदारी जो कर रहे हैं क्या वजह है। और आप शुरुआत ही यहीं से कर रहे हैं, मानकर ही कहीं ना कहीं आप चल रहे हैं कि चुनाव में तो धांधली होने जा रहा है, आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। खैर, गुरु प्रकाश आपका जवाब देना चाह रहे हैं सर, बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए गुरु प्रकाश जी। हाँ नहीं, देखिए प्रिया, इन्होंने दो पॉइंटेड सवाल पूछे हैं और मैंने धैर्यपूर्वक इनके दोनों सवालों को सुना है। पहला सवाल था इनका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के। देखिए देश जानता है कि 75 वर्षों तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री अकेले तय करते थे। अधीर रंजन चौधरी जी, पहली बार नेता विपक्ष को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में इंक्लूड किया गया है तो अब किया गया है। अधीर रंजन चौधरी जी आपके नेता हैं, लोकसभा में नेता के विपक्ष हैं, वो उस बैठक में गए थे कि नहीं गए थे, आप मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए। तो पहली बार, और बताना चाहता हूं मैं इनको,
नवीन चावला जो खुद को इंदिरा गांधी का तीसरा सुपुत्र बोलते थे, नवीन चावला जिनको शाह कमीशन ने कहा था कि अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, उनको 2009 के आम चुनाव के पहले लोकसभा में चुनाव आयुक्त किसने बनाया था, तो आपने बनाया था। दूसरा बात आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पूछा, मैं बता देना चाहता हूं देश को यह पता है 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ हमें मिला है, ट्रांसपेरेंसी आई है, 14,000 करोड़ किसको मिला है, 14,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इसको जवाब नहीं देना चाहिए क्या? तो एक तरफ 6,000 करोड़ है, एक तरफ 14,000 करोड़ है। राकेश शेट्टी जी, हम लोग 28 राकेश शेट्टी जी, राकेश शेट्टी जी, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि आप सरेंडर ही कर चुके हैं कि ये चुनाव भी हमारा नहीं है।